जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकवादी, 14 साल का नाबालिग भी शामिल। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि शोपियां के हदीपुरा में चल रही मुठभेड़ में कुल 3 आतंकवादी मारे गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। अनुष्का शर्मा करा रही हैं इरफान खान के बेटे बाविल का बॉलीवुड डेब्यू। शेयर किया है ये BTS वीडियो। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर इरफान खान के बेटे बाविल खान फिल्म काला से डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म का अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही है। बाविल खान ने इस शूटिंग के दौरान BTS वीडियो फैंस के साथ शेयर किया है। क्वारंटाइन टाइम यू स्पेंड कर रही हैं कोरोना पॉजिटिव आलिया भट्ट। शेयर की तस्वीरें। आलिया भट्ट ने 2 सेल्फी शेयर की हैं। इसमें आलिया नो मेकअप लुक प्लांट कर रही हैं। उन्हें तस्वीरों में बेड पर आराम करते हुए देखा जा सकता है। देश भर में आज से शुरू होगा टीका उत्सव। ज्यादा से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। देश भर में अब तक 85 दिनों में कोरोना टीके की 10 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बना। कूचबिहार हिंसा में चुनाव आयोग ने फायरिंग मामले में CISF को दी क्लीन चिट। आत्मरक्षा में उठाया कदम बताया। कूचबिहार जिले के शीतलकुची में कल CIFS की ओर से की गई फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने CISF को क्लीन चिट दे दी।